मिनी पार्क के अंदर गाय बकरी भैंस चराना मना है। शराब या शराब का सेवन करना या नशीली पदार्थ का सेवन करना डायमंड मिनी पार्क के अंदर मना है। इसीलिए बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आके शराब या कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप उनको बाहर भेज सकते हैं। उनको यहाँ पर मना है बैठना, ये एरिया प्रतिबंध है। यहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या कोई भी शूटिंग करना या कोई भी शराब या ऐसी हरकत करना इस एरिया के अंदर प्रतिबंध है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके डायमंड मिनी पार्क के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। जो डायमंड मिनी पार्क का जो बाउंड्री वॉल है उसको अच्छी तरह चेक करना है। कोई भी अनजान व्यक्ति बाउंड्री फान कर हमारे डायमंड मिनी पार्क के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए और यहाँ पर बैठकर शराब या कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको प्रत्येक घंटे के अंदर आपको डायमंड मिनी पार्क का राउंड मारना है, पेट्रोलिंग करना है, गश्त लगाना है, चेक करना है और अपना जो मेन गेट है मुख्य द्वार को हमेशा बंद रखना है, क्लोज रखना है। वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर उसको खोला जाएगा। अगर खुला रहेगा तो कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है, जैसे चोर है, शराबी है, पागल है, भिखारी है। ऐसे व्यक्तियों को डायमंड मिनी पार्क के अंदर आना सख्त से सख्त मना है। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान डायमंड मिनी पार्क का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, इसको हमेशा बंद रखेगा, क्लोज रखेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सुबह में जब भी ड्यूटी पर आते हो तो गेट के पास टहलना है, वहाँ पर बढ़िया सा स्टाइल में खड़े रहना है ताकि हमारे डायमंड मिनी पार्क के अधिकारी ऑफिसर इस रोड से, इस जगह से गुजरते हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर तैनात है, अलर्ट है, सतर्क है। इसलिए आपको सुबह सवेरे गेट के पास भी आपको खड़े रहना है, टहलना है। ये नहीं कि गेट बंद करके बैठना नहीं है, बैठना सख्त से सख्त मना है। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके घर से फ़ोन आता है आप बेशक बात करो, लेकिन मोबाइल पर वीडियो या गेम या पिक्चर या कार्टून या कोई भी सीरियल या कोई भी देखना मना है। आप मोबाइल देखोगे तो मोबाइल में व्यस्त रहोगे, आपकी निगाह मोबाइल में रहेगी तो कोई भी घटना या दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। अपने परिवार के लिए लाए हो तो मोबाइल आता है घर का, आप बेशक बात करो लेकिन कम से कम बात करके फ़ोन को रख दो, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है ड्यूटी के दौरान। इस बात का ध्यान सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान नाइट ड्यूटी वाला, नाइट शिफ्ट वाला, रात्रि पारी, संतरी, सिक्योरिटी गार्ड सोने की कोशिश ना करे, ड्यूटी अलर्ट करे, सतर्क करे और जग के करे और चारों तरफ ध्यान दे, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर निगाह रखे। जब भी डायमंड मिनी पार्क के गेट के पास कोई भी वाहन रुकता है तो नाइट शिफ्ट वाला तुरंत तो गेट से अंदर से उसको वॉच करेगा, देखेगा कि कौन है जो हमारे डायमंड मिनी पार्क गेट के पास में गाड़ी खड़े करा है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी है, आपको अंदर से देखना है। अगर कोई हमारे तरफ आता है, अगर आप उनको जानते हैं तो दरवाज़ा खोलना है, वरना दरवाज़ा नहीं खोलना है बिना इंक्वायरी का, बिना तहकीकात का। अगर आप डायमंड मिनी पार्क के कोई अधिकारी को नहीं जानते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर मैं आपको नहीं पहचाना। वो बोलेंगे मैं डायमंड मिनी पार्क का फलाधिकारी हूँ, ये है। तो आपको अगर यकीन है, आपको विश्वास है तो आप रात के समय दरवाज़ा खोल सकते हैं, वरना कोई भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खोलना सख्त से सख्त मना है। इस बात का ध्यान रखें। प्रेट सावधान, अभी दाहिने मुड़ना है, सैल्यूट करना है। प्रेट ड्यूटी के लिए विसर्जन, दाहिने मुड़ो, सैल्यूट, डाउन जाइए।